अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। माशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सामने ये सब्ज़ी कटा हुआ है, तो ये आज मैं ये सब्ज़ी मैं काट के रखी हूँ। ये है लौकी है, ये बैंगन है, ये भिंडी और एक प्याज है। ये तड़का के लिए है और कड़ी पत्ता है, दो सूखी मिर्ची। तो आज इसका हम बनाएँगे दालचा बनाएँगे। तो इसको मैंने सब्ज़ी कट कर ली है और इसको भी हम धो के अच्छी तरीक़े से अभी हम उसको कुकर में डालेंगे। तो और ये दाल मसूर दाल से इसे बनाएंगे हम। तो इन सभी को मैं धो के इस डाल कुकर में डाल देती हूँ इस सब्ज़ी को, आप देख सकते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी देखिएगा दालचा। अब कुकर में हम ये सब्ज़ी को डाल देते हैं, सभी सब्ज़ी जो कट करके रखे थे हम ये सबको डाल देंगे। सब्जी को कट कर लिए हैं और ये दाल को भी डाल देते हैं इसी में। दाल डाल के इसमें हम पानी दे देंगे। पानी इसमें हम नमक डाल देंगे और नमक डाल के इसको हम सीटी लगा देंगे। बस सीटी लगा, दो सीटी लगा देंगे, पानी डाल देते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारे ये बन के। अभी इसको हम कुकर में चढ़ा देंगे दो सीटी के लिए। हम देखते हैं कि हमारा ये गला कि नहीं गला, खोल के इसको भी हम चेक कर लेते। तो ये हमारा अच्छी तरीक़े से देख सकते हैं हो गया। तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं। अब इसमें तेल डाल देते हैं। तेल गरम होता है तक, तेल हमारा गरम हो चुका तो हम ये खड़े जीरे डाल देंगे। ये राई था, थोड़ा सा राई को भी हम डाल देंगे। ये सर लहसुन में दो सूखी मिर्ची है, दो सूखी मिर्ची को भी डाल देंगे। कड़ी पत्ती के लिए इसको प्याज कट करके रखे थे, प्याज थोड़ा सा डाल देंगे। तो आज हम बना रहे हैं दालचा, लौकी भिंडी बैंगन की दालचा की सब्जी, दाल। तो आप देखिएगा नई तरीके से मैं बना रही हूँ। इसमें दो तेज पत्ते डाले थे, दो है, एक खड़ी दालचीनी। आप देख सकते हैं हमारा तड़का कितना अच्छा दालचा का बन रहा है। तो ये हमारा दालचा का तड़का लगाएंगे। तो इसमें भी हम मसाला डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सब मसाला डालेंगे इसमें। हल्दी डाल देंगे क्योंकि उसमें डाले नहीं थे, सिर्फ नमक डाल के ही हम उसको सीटी लगाए थे। तो ये थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, हल्दी डाल के इसको थोड़ा चला लेंगे, इसका कच्चापन है ना निकल जाएगा हल्दी का। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट था तो इसको भी थोड़ा डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे।
तो अभी देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इस देख सकते हैं हमारा मसाला खूब अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। इसमें अब हम नमक डाल देते हैं, दाल उसमें डाले थे हम नमक, लेकिन इसमें नमक डाल देते हैं। अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाली कम बेसी। इसको डाल के अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें ये दाल है, इसको मैं सीटी लगाई थी, इसको मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा दाल चा कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। आप सोच रहे हैं टमाटर क्यों नहीं डाली। नहीं, टमाटर इसलिए नहीं डाली कि टमाटर था नहीं, इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली। रहता तो मैं डालती टमाटर। इसके जगह में मैं थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ, ओके। बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। डाल के इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसको ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, बस हमको इसको थोड़ा सा 5 मिनट एक बार उबाल आएगा, इसको हम फिर बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये दालचा बन के तैयार है। टमाटर की जगह में ये इमली का पेस्ट है, तो मैं इमली का पेस्ट को डाल दूँगी। तो आप देख, आपको सबको कैसा लगा। आपको अगर आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल में जो नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ये अब खाने के लिए तैयार है, अब चावल के साथ खा सकते हैं। तो इसको अल्लाह हाफिज़।